एक्चुअली कल ये क्वेश्चन था कि इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड कॉमन देन कॉस पर एक्स प्लस कॉस पर वाई देन कॉस पर एक्स प्लस कॉस पर वाई प्लस कॉस पर जेड प्लस कॉस पर जेड माइनस माइनस व्हाट इज अवेलेबल हियर यस माइनस 2 cos x cos y cos z इज इक्वल टू माइनस 2 cos x cos y cos z इज इक्वल टू ऑप्शन तुम्हाला याच्यामध्ये दिले होते काय होतं ऑप्शन याच्यामध्ये 0 1 minus 1 and 2 दिस तो कल बताया था मैंने सबसे बेसिक यहाँ पे जब भी cos square x plus cos square y दोनों साथ में आएंगे तो हम क्या करेंगे दोनों में से एक का कन्वर्जन क्या करेंगे साइन में कन्वर्जन करेंगे है ना जैसे यहाँ पे cos square x plus cos square y या फिर sin square x plus sin square y आएगा तो हम क्या में कन्वर्जन करेंगे इसका एक का कन्वर्जन साइन में करेंगे जैसे कि यहाँ पे cos square y है cos square का कन्वर्जन हम 1 minus sin square y में करेंगे एक बात ये उसके बाद दूसरी बात इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ये एक्सपांशन तुमको मालूम होना चाहिए लिखी रहता मेरे cos square a minus sin square b का एक्सपांशन इसको सॉल्व करके करेंगे तो क्या आएगा इसका cos of a minus b या फिर ऐसा था cos square x minus sin square y तो cos square cos x minus y और cos of x plus y फिर cos of x plus y cos of x minus y ये दूसरी बात याद रखनी थी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे अगर से cos square x minus sin square y आ गया व्हाट इज इम्पोर्टेंट हियर व्हेन इट कम्स cos square x minus sin square y तो स्टेप हम करेंगे cos of x plus y into cos of x minus y ये दूसरी बात और पहली बात क्या जब भी cos square y आया या फिर sin square x sin square y आया तो हम क्या करेंगे पहला काम दोनों में से एक को क्या में कन्वर्ट करेंगे साइन में कन्वर्ट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे कल के दो बातें याद रखो सबने और उसको सॉल्व करेंगे अपन ये दो बातें तो ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है ऑप्शन 7 में लिखने की जरूरत भी नहीं क्वेश्चन लिखेंगे बस तो देखो तो ये कंडीशन में हम क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे cos square x इन केस ऑफ cos square y डिवाइड कर 1 minus sin square y plus cos square z minus 2 cos x cos y cos z is there इसको अगर सभी सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये आ गया 1 को पहले ही उसका डिन तो ये आ गया 1 plus cos square x minus sin square y plus cos square z माइनस टू कॉस एक्स कॉस वाई और कॉस जेड इज अब देखो यहाँ पे ये जो है ये शो के लिए तो नहीं दी वाली कंडीशन ये कंडीशन का भी हम यूज करेंगे कहाँ यूज करेंगे यहाँ पे इन प्लेस ऑफ जेड वी हैव टू रिप्लेस द वैल्यू बाय एक्स प्लस वाई तो ये कॉस स्क्वायर जेड के जगह पे हम लिख सकते कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस टू कॉस एक्स कॉस वाई एज इट इज अगेन दिस जेड इज रिप्लेस बाय द वैल्यू एक्स प्लस वाई तो cos square a minus sin square b का expansion cos of a plus b cos of a minus b यहाँ पे x y है इसके अंदर ऐसा है अब देखो आगे टर्म में भी cos square x plus y है तो ये दोनों में से कुछ तो कॉमन लिया है देखो इसका expansion आया cos of x plus y cos of x minus y और आगे भी cos square of x plus y है तो इसमें से cos of x plus y कॉमन आ सकता इसलिए हम क्या करेंगे cos square of x plus y को यहाँ रखेंगे है ना तो कॉमन निकालने के लिए अपने लिए इजी जाएगा यहाँ से कॉमन निकालने के लिए तो इसके लिए ब्रैकेट में ले लिया मैंने इसको और ये बाकी का माइनस टू कॉस एक्स कॉस वाई और कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई एज इट इज चलो इसको सॉल्व करो यहाँ तक कल हो गया था मेरे ख्याल से देखो कल यहाँ तक हो गया था यस्टरडे वी हैव सॉल्व अप टू नाउ अब यहाँ से देखेंगे तो इसमें से देखो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई यहाँ से और कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई यहाँ से दोनों में से कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई क्या कॉमन निकलेगा वीडियो अड़कतो तत्काल पहले वीडियो वीडियो अड़क रहा क्या ब्लर भी हो रहा ओके ओके चेक करेंगे उसको
नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, ये प्रॉब्लम। Please tell me now, it is clear? आप क्लियर है क्या बोलो? नहीं सर। अजून दिसतंय, दिसत नाही का वरती? हां यस, अभी हां सर आता सर। तो फिर हम यहां से क्या करेंगे, cos of x plus y taken common from that one, दोनों में से cos of x plus y common निकालेंगे। कॉमन निकल गया तो ये मिल गया cos of x plus y common, ब्रैकेट में बच गया cos of x minus y plus cos of x plus y, है ना। यहां से कॉमन निकालने के बाद ये बच गया, यहां से स्क्वायर था तो एक बच गया, माइनस 2 cos x cos y और cos of x plus y। देखो अभी सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो गया 1 plus cos of x plus y, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया cos c plus cos d का फॉर्मूला, है ना। cos c, c मतलब x minus y plus cos d मतलब x plus y, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर cos c plus cos d? 2 cos c plus d by 2, c plus d by 2 into cos of c माइनस डी बाई टू, और ये टर्म एडिटिव माइनस का 2 cos x cos y और cos of x plus y रिमेन एडिटिव। देखो अब क्या हो गया, सबसे पहले ये हो गया 1 plus, देखो अब यहाँ पे अगेन हम x plus y के जगह पे ये z ले सकते हैं, सिंपल के लिए 1 plus ये z आ गया 2, इसको सॉल्व करो, माइनस का और प्लस का कैंसिल, x plus x 2x, देखो ना ये 2 x plus x 2 x 2 square by 2 मतलब कितना आ गया cos x, ठीक है, into यहाँ पे देखो plus x minus x cancel, minus y minus y minus का 2y minus का 2y divided by 2 मतलब minus y, cos of minus y it should be plus cos y, है ना। और यहाँ पे क्या बच गया, minus 2 cos x cos y, और again cos of x plus y is nothing but cos y। तो देखो तुम ये दोनों को, ये bracket देखो 2 cos x cos y cos z plus क्या, देखो ये प्लस 2 cos x cos y cos z प्लस का 2 cos x cos y cos z प्लस का, और यहाँ पे माइनस का 2 cos x cos y cos z माइनस का, तो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, तो आंसर फिर कितना बच गया, एड इज इक्वल टू 1, ये सब इक्वल इज इक्वल इज इक्वल इज इक्वल इज इक्वल, तो लास्ट आंसर भी एंड आई थिंक ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन फॉर दैट, इसके लिए ऑप्शन नंबर बी है। अगर कल का क्वेश्चन समझ में, ये क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं कि क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपन ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं जो तुमको जमते नहीं एग्जाम में ज्यादातर, मतलब जो तुमको अदर बुक्स में है और तो तुमको क्वेश्चन नहीं आते सॉल्व करने, वही टाइप के क्वेश्चन अपन ज्यादातर क्लास में सॉल्व करते, और सिंपल क्वेश्चन जो तुम बोर्ड में अपने लिए वाले हैं इसका पूरा चैप्टर अपने सिस्टमेटिक लिए वाला है, पूरा ईच एंड एवरी प्रॉब्लम अपने बोर्ड में सॉल्व करने वाला है, तो ऑब्जेक्टिव में अपन सिर्फ वही क्वेश्चन लेते हैं जो तुमको सॉल्व करने नहीं आता और जो एग्जाम में पूछे वाले हैं और जो इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन अपन लेते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन तुमको नहीं भी आते होंगे तो इसकी प्रैक्टिस करो तुमको वो आगे आ रहे जाएंगे, ठीक है। तो वेरी सिंपल वन, प्रैक्टिस करत रहा, बिल्कुल लूज कॉन्फिडेंस नहीं होना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन अपन सेलेक्ट करते जो तुमको नहीं आते, जो आते हो तो सिंपल तुमको आने ही वाले, है ना, बोर्ड के हिसाब से वो लेते हैं अपन, अपन जेई के हिसाब से क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन जेईई में पूछे वाला, ऐसे दो क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि वन अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 upon cos theta minus cos 3 theta, then afterward plus 1 upon cos theta
minus cos phi theta plus 1 upon cos theta minus cos 7 theta plus and so on up to 1 upon cos theta 1 upon cos theta minus cos of 2n plus 1 into theta is equal to अब इसके ऑप्शंस बहुत बड़े हैं, मगर ये क्वेश्चन पूछे वाला है लास्ट के एग्जामिनेशन JEE। अभी क्वेश्चंस पूछे वाला है, उसके ऑप्शंस भी बड़े बड़े है ना, तो उसका तो सॉल्व करते बैठेंगे तो मतलब और ऑप्शन देखेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे, आंसर तो आने वाला है। देखो मतलब अपने को क्या बोलेगा इसके अपन ऑप्शन लिखेंगे फिर उसको अपन सॉल्व करेंगे, अब जो भी सॉल्व करेंगे जो भी आंसर आएगा उसको ऑप्शन देंगे ABCD में सेफ रहेगा, इसलिए ऑप्शन ही लिखना ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि टाइम पास करो, अब चार बड़े बड़े ऑप्शन अगर से लिखते पड़ेंगे तो बहुत टाइम पास हो जाएगा है ना, इसलिए अगर तुम्हारी अगर से इच्छा है तो अपन इसे लिख सकते हैं इंटरेस्टेड है तो जान लेते है ना, मतलब ऑप्शन है तो डायरेक्टली उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे विदाउट सॉल्विंग, सॉल्व करने से बेटर है उसको सॉल्व करेंगे उसको डायरेक्ट ऑप्शन से पहले डायरेक्ट उसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसा एकदम सिंपल, तो यहाँ पे तो मेरे को खास तरह का सीरीज में है cos थीटा माइनस cos 3 थीटा, अगेन इसमें cos थीटा कॉमन cos माइनस माइनस cos 5 थीटा, अगेन cos थीटा कॉमन माइनस cos 7 थीटा, अगेन cos थीटा एंड अगेन cos ऑफ 2n प्लस 1 थीटा। अब यहाँ पे जो टर्म्स है ये टर्म्स तुम्हारे सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका, देखो ये क्वेश्चन तीन दो से तीन टाइम्स तरीके से पूछने वाला है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तो इसको पूछने वाला है, आरडी शर्मा में भी ये क्वेश्चन पूछने वाला है मगर थोड़े अलग स्टाइल से पूछने वाला है। तो स्टाइल क्या है देखो कि सब में खास तरीके से सीरीज में रखने वाला है, तो हम ये सबको सॉल्व नहीं करेंगे है ना, इनके एक लीडर को बुलाएंगे और वो लीडर को लेकर अपन क्या करेंगे सॉल्व करेंगे है ना, इनके यूनियन है सबका एकदम सब एक ही फॉर्मेट में, सब में cos थीटा cos थीटा cos थीटा cos थीटा कॉमन है, सब में सीरीज स्टडी तरीके से cos 3 थीटा pi थीटा 7 थीटा एंड देन 2n plus 1 थीटा। तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको समेशन एक जनरल टर्म में लेंगे, सबके साथ नहीं खेलते बैठेंगे एक एक से, अपन सबको एक जनरल टर्म के फॉर्म में लाएंगे, मतलब कैसा वी कैन राइट इट इज इन टर्म्स ऑफ जनरल फॉर्म, ये इसका जनरल फॉर्म कैसा आएगा तो समेशन के फॉर्म में r इज इक्वल टू 1 टू n और 1 अपॉन कैसी लेंगे सीरीज cos theta minus cos of already n में है क्या क्वेश्चन में n में है क्या, अगर ठीक है तो ये ठीक है r is equal to 1 to n cos of कैसे लेंगे आप इसका 2r plus 1 into theta, देखो ये टर्म समझेंगे तुम्हारा ये टर्म समझेंगे, तो ये r d शर्मा भी बुक में भी क्वेश्चन है मगर थोड़ा अलग तरीके से पूछने वाला है, कैसे पूछने वाला है देखो कि ये क्वेश्चन में इन सबसे अलग अलग नहीं सॉल्व करने का, तो इनके जनरल टर्म जिसको बोलते हैं जनरल टर्म मतलब क्या, ये फॉर्मूले में तुम रखो एक पूरा तुमको एवरेज मिलता है। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल आर स्टार्ट हो रहा 1 से, तो सबसे पहले हम इसमें आर की प्लेस पे 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा देखो 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos ऑफ आर के प्लेस पे 1 रखो 2 प्लस 1 कितना हो गया cos 3 थीटा, ये आ गया इसका पहला टर्म ठीक है। अब r के प्लेस पे 2 रखो तो दूसरा टर्म आता 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos r के प्लेस पे 2 रखो 2 into 2 4 4 plus 1 cos 5 थीटा, उसी तरीके से 3 रखने पे ये टर्म आएगा और उसी तरीके से अगर से अपन r के प्लेस पे यहां रखेंगे तो इसका क्या लास्ट टर्म मिलेगा, तो ये टर्म क्या बोलेंगे इसको अपन दिस टर्म इज सेड टू बी द जनरल टर्म ऑफ दैट सीरीज, इट इज द जनरल टर्म ओके okay, तो हम क्या करेंगे पहले सीरीज को जनरल टर्म के फॉर्म में लिखेंगे, तो जनरल टर्म को फॉर्म लिखने के बाद उसके बाद जनरल टर्म मतलब समेशन के फॉर्म में इतने सब लिखने की जरूरत नहीं है, इतना फॉर्मूला लिख दिया उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये पूरी सीरीज आ गई, आर के प्लेस पे 1 रखो ये पहला टर्म मिलेगा, आर के प्लेस पे 2 रखो ये दूसरा टर्म मिलेगा, आर के प्लेस पे 3 रखो ये तीसरा, आर के प्लेस पे आखिरी में एन रखो ये लास्ट टर्म मिलेगा। तो सबसे पहला काम ऐसे टाइप के क्वेश्चन को समेशन लगाओ, देखो बहुत मास्टर्स तो क्वेश्चन है 4 मार्क के लिए पूछा वाला जाएगी। उसके बाद अब तुम इसमें देखेंगे तो खास बात क्या है देखो यहाँ पे कि
इसके बाद तुमने नीचे नीचे अगर डिनोमिनेटर में देखेंगे तो फॉर्मूला क्या मिलेगा यहाँ पे, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे cos c माइनस cos d के हिसाब से। देखो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, cos c माइनस cos d समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बोलो क्या है, देखो 1 अपॉन cos c माइनस cos d का फॉर्मूला 2 टाइम्स साइन ऑफ, देखो एक्चुअल फॉर्मूला क्या रहता है उसका, टाइम माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन। तो अपन क्या करेंगे, पहले इसका उल्टा कर देंगे, 2 टाइम्स साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू, तो थीटा और 2r प्लस 1 थीटा, इसको तुमको कैलकुलेशन सॉल्व करने आएगा क्या बोलो, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू अगर से करेंगे तो देखो थीटा प्लस 2r थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस 2r थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई टू, ऐसा समझ में कैसा। तो इसके लिए जगह थोड़ी कम है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा, मैं इसको नीचे सॉल्व करूंगा। देखो कैसा बता रहा है यहाँ पे, इट इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n 1 अपॉन cos c माइनस cos d का फॉर्मूला 2 टाइम्स साइन ऑफ c प्लस d। तो पहले दोनों का एडिशन, थीटा प्लस 2r थीटा प्लस 1 थीटा डिवाइड बाय 2 इनटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू, सी मीन्स थीटा माइनस 2r थीटा माइनस, तो डायरेक्ट माइनस से ओपन कर लिए तो फिर सी क्या बोल रहे देखो, सी माइनस डी, तो माइनस 2r थीटा माइनस थीटा डिवाइड बाय 2। ये स्टेप समझी क्या बोलो, ये स्टेप समझे फॉर्मूला, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला 1 अपॉन 2 टाइम्स साइन ऑफ c प्लस d, ये c है और d मतलब 2r थीटा प्लस थीटा डिवाइड बाय 2 इनटू sin c माइनस d, c मींस थीटा और d मतलब माइनस से ओपन करो, माइनस का 2r माइनस का 2r थीटा माइनस का 1 थीटा d। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n 1 अपॉन 2 sin ऑफ देखो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा 2 थीटा 2r थीटा डिवाइड बाय 2 है ना, थीटा प्लस, अरे यहां पे थोड़ा यहां पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, बोलो क्या मिस्टेक हुई कि अपन ने फार्मूला cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या वापर है, 2 sin c प्लस d बाय 2 इनटू sin क्या चाहिए, फिर आगे से माइनस से यूज करें तो क्या चाहिए, d माइनस c बाय 2 है ना, माइनस कॉमन निकालेंगे तो देखो या तो स्टार्टिंग में यहां माइनस लगाओ या फिर इसी को तुम प्लस, अरे फॉर्मूला मालूम है ना, cos की माइनस cos b का 2 टाइम्स sin ऑफ c प्लस d बाय 2 इनटू sin ऑफ c माइनस d बाय 2 माइनस के साइन के साथ, और अगर से तुमको माइनस यूज नहीं करने का है तो यहां पे क्या करेंगे अपन, यहां पे क्या करेंगे अपन, c माइनस d के जगह d माइनस c का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो d माइनस c के हिसाब से देखो क्या हो जाएगा, समझे क्या क्या बता रहा है यहां पे, फॉर्मूला याद रखो क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, cos c माइनस cos d के दो फॉर्मूले, एक तो माइनस 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू ऐसा लो विद माइनस साइन, या फिर माइनस नहीं होना होगा तो क्या करेंगे, सी यहाँ पे सी माइनस डी के जगह हम क्या यूज करेंगे, डी माइनस सी, ये बात याद रखो, तो इसमें से ये माइनस करो तो क्या मिलता, 2r थीटा प्लस थीटा में से 2r थीटा प्लस थीटा में से क्या माइनस करेंगे, माइनस का थीटा डिवाइड बाय कितना, एकदम करेक्ट है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा थीटा गेट्स कैंसिल, 2 गेट्स कैंसिल, ये कितना आ गया साइन ऑफ r। अब यहां पे थोड़ा डायरेक्ट करेंगे 2 दोनों की डिवीजन में, तो पहले 2 इसको जाएगा तो यहां बचेगा थीटा और 2 इसको जाएगा तो थीटा प्लस r थीटा, देखो यहां बच गया थीटा प्लस r थीटा, इसमें से भी थीटा कॉमन निकालना मैंने तो क्या मिलेगा डायरेक्ट 1 प्लस r इनटू थीटा। तो मैंने 3 स्टेप कम कर दिया यहां पे, ये वैसे तुम्हारे समझ में आएगा, तो देखो यहां पे क्या, देखो साइड में बता दो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस 2r थीटा डिवाइड बाय 2, पहले 2 दोनों के डिवीजन में दोनों को बांट के दो, पहले इसको बांट के दो फिर इसको बांट के दो, तो 2 से 2 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, थीटा प्लस r थीटा आ गया, इसमें से थीटा कॉमन निकालो तो क्या मिलता 1 प्लस r, हो गया है देखो 1 प्लस r इनटू थीटा, यहां तक कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। आप देखो इसका आगे हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, देखो आप सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन का मेन जो है टारगेट, जो मेन मकसद है यहां से स्टार्ट हो रहा,
देखो जो तुमको मैं इससे पहले बोलता था कि आरडी शर्मा में जो क्वेश्चन है वो यहाँ से सीरीज में बनाने के बाद है, आर इज इक्वल टू वन टू समेशन आर इक्वल टू वन टू एन वन अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ क्यू आर प्लस वन थीटा इज इक्वल टू आरडी शर्मा में ये क्वेश्चन ऐसा है, तो वो सेम मतलब इसको ऐसा करेंगे फिर उसको ये फॉर्म में ला के सॉल्व करेंगे, दोनों के मीनिंग सेम है, दोनों क्वेश्चन का आंसर यही है। तो देखो कैसे करेंगे, सो तो यहाँ पे स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक कैसा है देखो, तो आपको क्या करेंगे ये दोनों साइन का एंगल का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ दिस एंगल, ये दोनों के एंगल का डिफरेंस, तो देखो दोनों के एंगल का डिफरेंस मतलब कैसा, वन प्लस नहीं ऐसा नहीं ऐसा थीटा प्लस आर थीटा माइनस आर थीटा, थीटा प्लस आर थीटा माइनस आर थीटा दोनों का डिफरेंस, या फिर ऐसा डिफरेंस निकालो या फिर ऐसा डिफरेंस निकालो बात एक ही, तो माइनस का आर थीटा प्लस का आर थीटा कैंसिल, तो दोनों में साइन के दोनों का एंगल का डिफरेंस कितना है थीटा, तो अभी ये स्टेप इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, आगे भी तुम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों के एंगल का डिफरेंस अगर सिर्फ थीटा है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ऐसा एडजस्ट करेंगे कि इनका डिफरेंस आना, मतलब कैसा देखो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा समेशन आर इज इक्वल टू वन टू एन, एंगल का डिफरेंस खाली थीटा है तो क्या करेंगे ऊपर एडजस्ट मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय साइन थीटा और डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा इनटू ये टर्म एज इट इज साइन ऑफ वन प्लस आर थीटा इनटू साइन ऑफ आर थीटा, देखो ये टर्म अगर से नहीं समझोगे तो फिर से एक बार समझा था कि दोनों का डिफरेंस हमने देखा, दोनों एंगल के डिफरेंस देखे तो डिफरेंस थीटा आ रहा, तो समझो कभी डिफरेंस थीटा की जगह पे वन थीटा की जगह पे टू थीटा आ गया, तो हम यहाँ क्या एडजस्ट करेंगे साइन टू थीटा साइन टू थीटा, चलो कभी डिफरेंस सॉल्व करें तो मैं डिफरेंस तुम्हारा थ्री का आ गया, थ्री थीटा का आ गया, तो तुम कैसे करेंगे साइन थ्री थीटा और साइन थ्री थीटा के एडजस्ट भी करेंगे ऐसा नहीं, अब मेरे ख्याल से यहाँ पे टू भी रह गया, यहाँ पे टू ठीक है, तो ये टर्म एज इट इज है देखो टू साइन वन प्लस आर थीटा इनटू साइन ऑफ आर थीटा, सिर्फ हमने क्या करें सबसे पहले दोनों का एंगल का डिफरेंस निकालें, एक थीटा आया तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई साइन थीटा से डिवाइड, दो का आएगा तो साइन टू थीटा से मल्टीप्लाई साइन टू थीटा से डिवाइड, तीन का आएगा तो साइन थ्री थीटा साइन थ्री, इसका एक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट में तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अगला भी एक ऐसे क्वेश्चन दूंगा तुम्हारे लिए, तो देखो ये हो गया। अब हम आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद देखो सबसे पहले यहाँ पे ये बेचारे साइन का कोई काम नहीं, यहाँ पे कोई रोल नहीं है, साइन को हम क्या करेंगे बाहर खींचेंगे है ना, मतलब क्या देखो ये ऑलरेडी ये दोनों के जगह चले बेचारा और एक बीच में आ गया, हम क्या करेंगे ये साइन को बाहर लेंगे, समेशन साइन थीटा तो ये आएगा साइन थीटा अपॉन टू साइन ऑफ वन प्लस आर थीटा इंटू साइन ऑफ आर। अब देखो और एक तुम्हारे लिए अच्छी टर्म एक लास्ट तक इसमें एडजस्टमेंट की हेल्प करता हूँ, फिर तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने देखो क्या हम इसको वैसे सीखते देखो। अब यहाँ पे जो एंगल एडजस्टमेंट ये जो साइन थीटा की एडजस्टमेंट क्यों करें अपन ने इनके डिफरेंस के हिसाब से एडजस्टमेंट करें क्यों करें ये यहाँ के लिए। अब हम ये जो थीटा को है ना ये दोनों के डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते इसलिए हमने साइन थीटा की एडजस्टमेंट करे और कैसे लिख सकते देखो ना थीटा ही रहेगा मगर ये दोनों में आएंगे मतलब कैसे देखो कैसे एडजस्ट करेंगे देखो आर इज इक्वल टू वन टू एन कैन वी राइट दिस वन दिस थीटा एज अ थीटा के प्लेस में कह दूंगा ये दोनों का डिफरेंस वन प्लस आर थीटा माइनस आर थीटा ऐसे लिख सकते क्या बोलो ये साइन थीटा के प्लेस पे मैं ऐसे लिख सकता क्या साइन वन प्लस आर थीटा माइनस आर थीटा देखो सॉल्व करके देखो प्लस का आर थीटा कैंसिल विद द माइनस का आर थीटा वन इंटू थीटा फिर से कितना है साइन थीटा। तो ये स्टेप करने के वास्ते ही हम क्या करते दोनों का एंगल का डिफरेंस देख के ऊपर एडजस्टमेंट करते हैं दोनों का एंगल का डिफरेंस टू थीटा है तो साइन टू थीटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब यह दोनों का एंगल का डिफरेंस थीटा था तो हमने साइन थीटा से मल्टीप्लाई करा और उसके बाद में ये जो एंगल थीटा है इसके जगह पे कैसे लिखे ये दोनों का डिफरेंस वन प्लस आर थीटा माइनस आर थीटा के फॉर्म। कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे एकदम सिंपल वे से इसको सॉल्व करेंगे देखो उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला यूज होता
साइन, कौन सा फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पे, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, और इसमें ये दोनों को क्या करेंगे यहाँ पर ये बांट के देंगे, तुम्हारा आंसर आ गया। तो पहले क्या करेंगे यहाँ पे देखो जरा, अब यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं है, चार मार्क के लिए क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, तो ये टर्म ऐसे भी इसलिए टू का भी कोई काम नहीं, टू को बाय ले लेंगे अपन टू, तो यहाँ बच गया साइन ऑफ वन प्लस आर थीटा इंटू साइन ऑफ, ऐसा करने से ऊपर फॉर्मूला मिला साइन ऑफ ए माइनस बी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन ऑफ ए माइनस बी, ये आ गया वन अपॉन टू साइन थीटा, समेशन आर इज इक्वल टू वन टू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ वन प्लस आर थीटा इंटू साइन ऑफ आर, ठीक है यहाँ तक कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं, यहाँ फॉर्मूला कौन सही होगा साइन ऑफ ए माइनस बी का, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब ये जो दो, ये जो टर्म है दोनों के डिवीजन में, तो मैं क्या करूंगा दोनों को बांट के दूंगा और तुम्हारा आंसर सिर्फ दो ही स्टेप में आ जाएगा खेल का। तो बड़ा क्वेश्चन था नो डाउट, मगर सिंपल था, और इसको क्या करेंगे अपन बांट के देंगे वन अपॉन टू साइन थीटा समेशन आर इक्वल टू वन टू, बांट के देंगे तो क्या आएगा देखो, साइन ऑफ वन प्लस आर थीटा कॉस ऑफ आर थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ वन प्लस आर थीटा इंटू साइन ऑफ आर थीटा, ठीक है, माइनस कॉस ऑफ वन प्लस आर थीटा साइन आर थीटा डिवाइडेड बाय, एक ही स्टेप तुम्हारे लिए बता रहा है, इसके इतना टाइम लगा, इसको मैं शॉर्ट में भी कर सकता मगर एक भी स्टेप मैंने शॉर्ट कर दिया तो तुम मेरे को वही स्टेप पूछेंगे ये आया कैसा बोल के, इसके एक स्टेप बता रहा तुम्हारे को सॉल्व करके। तो दोनों के बीच माइनस था, दोनों को बांट के लिए देखो, बांट के देने से ये शर्ट 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 कैंसिल, साइन थीटा साइन थीटा आर कैंसिल, तो समझ में क्या बन गया वन अपॉन टू टाइम्स साइन आर इज इक्वल टू वन टू एन, कॉस का एंगल साइन का एंगल सेम, कॉस बाय साइन कॉट cot of r theta minus cos का एंगल sin का एंगल सेम, cot of 1 plus, तो देखिए ऑप्शन यही है क्या इसमें, यस सो इट इज दिस वन। अब देखो यहाँ पे अब ये समेशन को हम अदर से निकाल देंगे, समेशन कहाँ से स्टार्ट है, r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, तो हम लास्ट में क्या करेंगे जहां जहां r है वहां पे क्या एक्सप्रेस करेंगे, r कहाँ से स्टार्ट है 1 से लेके n तक, तो लास्ट में क्या देंगे तुम्हारी डायरेक्ट n, तो फाइनली ऑप्शन विल बी ये ऑप्शन था आंसर वन अपॉन टू साइन थीटा आर इक्वल टू वन टू एम, सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला है कॉट ऑफ एन थीटा माइनस कॉट ऑफ वन प्लस एन इंटू, ये तुम्हारा और ये इसमें ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से कितना है तुम्हारा ऑप्शन नंबर cot n theta बच रहा है इसमें, हाँ ठीक है राइट, ऑप्शन नंबर सी है इसमें, तो इसका आंसर cot n theta माइनस cot ऑफ वन प्लस एन, चार मार्क के लिए एग्जाम में कुछ वाला है, ठीक है। अब यही बेस पे दूसरी किताब में कैसा क्वेश्चन पूछा, देखो अभी ये क्वेश्चन को उसने दूसरे किताब में कैसे क्वेश्चन पूछा ये देखो, आई होप यू गॉट दैट वन, एक एक स्टेप को मैंने सॉल्व करके बताया, कोई भी स्टेप को डायरेक्ट नहीं करा, तो मैंने कहा स्टेप डायरेक्ट अगर से कर लिया तो तुम्हारे समझ मिल जाएगी। देखो ये क्वेश्चन को दूसरे किताब में कैसे पूछा, देखो क्वेश्चन है समेशन m इज इक्वल टू 1 टू 6 समेशन में m इज इक्वल टू 1 टू 6 कोसेक ऑफ थीटा प्लस m माइनस 1
m minus 1 into pi by 4 ऐसा, m minus 1 into pi by 4 into cosec of theta plus m into pi by 4 है ना, it is equal to क्या, it is equal to value जो वाली 4 root 2, इसका आंसर क्या आएगा तुमको निकालने का है ना, आंसर तुमको निकालने का क्या रहेगा इसका आंसर, ये तो ऑप्शन में तुमको दिया रहेगा 4 root 2 whatever may be, इतना भी तुमको अगर अच्छे दिया तो तुम इसको सॉल्व कर सकते हो समेशन के फॉर्म में, मैंने क्या बोला आरडी शर्मा में समेशन में दिया वाला, तो अभी किसी भी पोर्शन दिख रहा होगा तो इसको घबराओ मत, एकदम सिंपल है, cosec is nothing but sin, 1 by sin, तो सबसे पहले इसको sin के फॉर्म में लिखा हूं, देखो summation m is equal to 1 to 6, cosec is nothing but 1 upon, ये भी cosec sin में, तो 1 upon sin of theta plus m minus 1 into pi by 4 into sin of theta plus m into pi by 4, right है, यहां तक मिलता कि बिल्कुल है, ठीक है, अब फिर अब मैंने क्या बताया था, यहां पे एडजस्टमेंट करेंगे, कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, दोनों के एंगल का डिफरेंस लेके, दोनों का एंगल का डिफरेंस देखो, ये दोनों का एंगल, ये दोनों का डिफरेंस तुम साइड में सॉल्व करो, तो देखो तुमको कैसा आता, theta plus m pi by 4, theta plus m pi by 4 minus pi by 4 में से ये एंगल माइनस करो तो क्या आ जाएगा, माइनस का थीटा और माइनस का m पाई बाय 4 है ना, ये पूरे एंगल में से ये एंगल माइनस, तो प्लस का थीटा माइनस का थीटा कैंसिल, प्लस का m बाय 4 माइनस का m बाय 4 कैंसिल, डिफरेंस कितना है माइनस पाई बाय 4, अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस माइनस पाई बाय 4 आया अगर से हमने ये टर्म में से ये टर्म्स माइनस करे तो, अगर किसी को लगता है तो वो ये टर्म में से ये टर्म भी माइनस कर सकता, देखो बात को समझो, ये टर्म में से माइनस करने से माइनस 4 आया, अगर से तुम ये टर्म में से ये टर्म माइनस करेंगे तो जाएगा प्लस का पाई बाय 4, तो डिफरेंस माइनस आने दो प्लस आने दो डजंट मीन, ये बता रहा तुमको कि इसका कोई मायने नहीं रखता कि ये प्लस 4 प्लस आया या माइनस आया, किसी ने ऐसा किया तो माइनस पाई बाय 4 आया, किसी ने इसमें से ये माइनस करा डिफरेंस तो उसका प्लस पाई बाय 4 आएगा, तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें डिफरेंस कितना है पाई बाय 4 का, प्लस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 इट डजंट मीन, इसका कोई मायने नहीं, तो हम क्या करेंगे पाई बाय 4 आया, हम क्या करेंगे वही से मल्टीप्लाई बाय साइन पाई बाय 4, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी क्या करेंगे साइन पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो यहाँ पे क्लियर है तुम, ये तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे साइन पाई बाय 4 को ऊपर और साइन पाई बाय 4 को सेम पिछले बार की वैसे ही वैसे स्टेप से जाओ तुम्हारा 100% आंसर आ जाएगा, तो मैंने डिफरेंस निकाला, आप देखो ये साइन पाई बाय 4 को बाहर निकालो ऊपर क्या बचा साइन पाई बाय 4 अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस एम माइनस 1 इंटू पाई बाय 4 इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस एम इंटू पाई बाय 4 इसलिए कि हमारी जो अगली स्टेप है हम ये पाई बाय 4 को ये दोनों के डिफरेंस के हिसाब से लिख सकते हैं, ऐसे लिखने से हमको क्या मिलता फॉर्मूला साइन ऑफ ए माइनस बी का, पिछले बार का सेम क्वेश्चन, तो इसको डिफरेंस के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आएगा 1 अपॉन साइन पाई बाय 4 मींस 1 बाय रूट 2 है ना, तो ये आके 1 अपॉन साइन पाई बाय 4 इसके प्लेस पे तुम 1 बाय रूट 2 मतलब रूट 2 भी लिख सकते हैं, समेशन m इज इक्वल टू 1 टू 6, तो हम क्या करेंगे ये साइन पाई बाय 4 कैन बी डन एज ये दोनों का डिफरेंस, देखो थीटा प्लस